फेसबुक ने एक नया टूल लॉन्च किया है जिसके जरिए आप फेसबुक से सारी फोटोज सीधे गूगल फोटोज में ट्रांसफर कर सकेंगे। इस टूल को फिलहाल सिर्फ आयरलैंड में लॉन्च किया गया है, लेकिन 2020 के शुरुआती 6 महीनों में इसे दुनिया भर में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये टूल ऐसे गूगल फोटोज यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो अपने फोन में फोटोज का ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं रखते हैं। ये जानकारी कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी है। फेसबुक का कहना है कि फिलहाल इस टूल को सिर्फ गूगल फोटोज के साथ शुरू किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसमें बाकी सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि सभी डेटा ट्रांसफर एनक्रिप्टेड होंगे और ट्रांसफर शुरू किए जाने से पहले यूजर से पासवर्ड मांगा जाएगा। ये टूल फेसबुक द्वारा पिछले साल घोषित किए गए डेटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट का हिस्सा है और अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है। लोगों के फीडबैक और स्टेक होल्डर से बातचीत के आधार पर कंपनी डेटा ट्रांसफर टूल को बेहतर बनाएगी। फेसबुक डेटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के साथ मिलकर यूजर को अपना डेटा ऑनलाइन सर्विसेज के बीच ट्रांसफर करने का सामान्य तरीका उपलब्ध कराएगा। फेसबुक ने सितंबर में कहा था कि वो डेटा पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है और इस दिशा में नए टूल बनाने की तैयारी कर रही है। नया टूल फेसबुक सेटिंग्स में योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के तहत मिलेगा। यहीं पर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने का टूल मौजूद है। डेटा ट्रांसफर प्रोजेक्ट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले व्हाट्सएप ने भी नया डिलीट मैसेज फीचर लॉन्च किया था। इसके अलावा व्हाट्सएप अपने सबसे चर्चित फीचर डार्क मोड पर काम कर रही है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग ऐप आजकल लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और ये ऐप भी अपने यूजर्स को लुभाए रखने के लिए लगातार कुछ न कुछ नया मार्केट में लेकर आते ही रहते हैं।